जब हम वर्ड परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं तो पक्की बात है टू बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, ठीक है, दो बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। वो कहेगा कि एक बॉल आ रही है इस तरफ, ये रही, और जिसका मोमेंटम है एम वन इंटू वी वन। ड्रॉ करो एम वन वी वन। एक और बॉल आ रही है इस तरफ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद अ मोमेंटम ऑफ एम टू वी टू, एम वन वी वन, एम टू वी टू, और ये 90 डिग्री पे जाके इन्हें हिट करने वाली है, राइट? तो ये आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है, चिपक जाएंगी। तो इसके अंदर इसका जो टोटल मास है वो क्या बनेगा, एम वन प्लस एम टू। चिपकेंगी तो ऑब्वियसली टोटल मास एम वन प्लस एम टू, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। अब ये जाएगी कहाँ चिपक के, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, कि एक्स वाई प्लेन में? एक्स वाई का ना, क्योंकि ये बॉल चाहेगी इधर चल, ये बॉल चाहेगी इधर चल, ना इधर ना इधर, कहीं बीच में जाएगी, राइट? तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक काम करते हैं, एम टू वी टू वैक्टर को थोड़ा ऊपर को बना लें ऐसे, है ना, वेक्टर है लंबा बना लें, कोई बात नहीं, दिस इज एम टू वी टू, और उसी तरीके से एम वन वी वन को भी आगे बना लें, तो ये कितना है एम वन वी वन, ऐसे बना लें, राइट? तो जो ये जो बॉल जाएगी ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी इस तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से पहले मोमेंटम, यानी कि नेट मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोलिजन से पहले मोमेंटम एंड बाद में मोमेंटम विल रिमेन सेम। लिखो, कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन से बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। और ये कॉमन वेलोसिटी से जाएगी वी, ये जो एम वन प्लस एम टू है ये कॉमन वेलोसिटी से जाएगी, और आपको कॉमन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये बताओ कोलिजन से पहले दो बॉल्स एम वन वी वन, एम टू वी टू मोमेंटम से जा रही हैं, बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना है, यहां क्या पुट करूं, एम वन वी वन, वैल्यू बोलो, ऐसे भी कर सकते हैं, बोलो, ठीक बोल रहे हो, अंडर रूट ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टक्कर से पहले एक वाई में जा रही है बॉल और एक एक्स में जा रही है, तो इनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, नेट मोमेंटम, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर इनिशियल मोमेंटम है। और इसकी डायरेक्शन पता है कहाँ होगी इन दोनों की, यहीं पे होगी, क्योंकि मोमेंटम नहीं आएगा रिजल्टेंट की फॉर्म में। और फाइनल मोमेंटम बोलो क्या होगा, एम वन प्लस एम टू इंटू वी सी, यहां से वी कॉमन निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल पता लग रहा है कि क्या स्टाइल है? सर एक डाउट था बोलो। सर, ये डायगनली सिर्फ तब मूव करेगी ना अगर दोनों बॉल सेम इंस्टेंट पे क्लाइड करेंगी, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बॉल ने कोलाइड किया उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल ने कोलाइड किया तो केस अलग बनेगा ना? देखो आपने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ लिया मुझसे, क्योंकि आप देखो ना, दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स हैं, ये टक्कर हो गई, एक ही इंस्टेंट बनेगा, दो बन नहीं सकता, ये देखो ना, बस हो गया, इंस्टेंट हो गया, दोबारा टक्कर थोड़ी ना होगी, दो ही तो बॉल्स हैं, एक और दो, दोनों आई, टक्कर हुई, इकट्ठी चल पड़ी, कहीं तो जाएंगी इकट्ठी, कहीं तो जाएंगी मिलके, वो जहां भी जाएंगी उसका टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम तो सेम ही रहेगा। ठीक है यहां तक? गॉट इट सर। 90 डिग्री पे ना हो तो फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा भी लगाने पड़ेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर एक स्टेप फालतू कर लेना। सही है, कोई डाउट है इसमें? तो आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें?
लो एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर। सपोज एक बॉल है एम, दूसरी बॉल है एम, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। एक बॉल मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 45√2, दूसरी 45√2। ये आपकी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 29 जो थी उसी का क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे लास्ट टाइम। नोट खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी कर दो। तो आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी क्या है ये बताओ, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो दे विल स्टिक टुगेदर, ये चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद कॉमन वेलोसिटी का फॉर्म वैल्यू बोलो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो लगाओ रूल। तो ये मान लो यहाँ चला गया, ये ऐसे है, और कॉमन वेलोसिटी में क्या होगा, ये दोनों जब चिपक जाएंगे तो मास 2m हो जाएगा, और 2m मूव करेगा विद अ कॉमन वेलोसिटी वी सी। वी सी तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, m इंटू 45√2 का होल स्क्वायर, और दूसरा कितना है, m इंटू 45√2 का होल स्क्वायर, और फाइनल मोमेंटम क्या है, 2m इंटू वी सी। तो निकाल लो वी सी कितना आ रहा है, निकालो। तो दो बॉल्स आपस में 90 डिग्री पे आ रही हैं, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, वी सी कितना आ रहा इसका आंसर 45 आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 45 मीटर पर सेकंड। एमएमएम कैंसिल कर लेना, सॉल्व करें आंसर आएगा।